तन्हाई, अकेलापन महसूस करती हैं? नहीं, आई डोंट, आई थिंक तन्हाई को चेरिश करना चाहिए. हुसन और माशाल्लाह उम्र का जो आपने खूबसूरत इम्तिजाज रखा हुआ है, इसकी वजह नींबू पानी है या कुछ और? नहीं, आपने मना किया था कि इमरान खान से शादी ना करें? स्पेसिफिक्स नहीं दिए, मगर मैंने कहा कि सोच समझ के शादी करना. आप एक्साइटेड थी? एक्साइटमेंट में नहीं सोचा? पठान सोच समझ के भी गलत फैसले कर लेते हैं, पर मैंने जिंदगी में वैसे एक ही गलत फैसला किया है आई थिंक. शायद इमरान खान भी चिढ़ते होंगे. नहीं, आप तो एक दफ़ा चली गई थी घर छोड़ के जब वो आ रहे थे. तो वो मैं स्पेस देती थी बिल्कुल. मैं मुनाफ़कत कर ही नहीं सकती. नहीं, जमहूरियत तो ऑब्वियसली नहीं है, ना PTI में है, ना PPP में है, ना PMLN में है. मार्गला हिल्स के साये में रहती हैं, क्या आपको कुदरत से प्यार है? आई थिंक उम्र के साथ साथ आपको अल्लाह पाक की जो नेमतें हैं, जो भी नेचुरल ब्यूटी है, उसकी कदर आना शुरू हो जाती है. बचपन से आई हैव बीन एन आउटडोर बच्चा. टॉम बॉय. टोटली. दरख्तों पे चढ़ती थी? बहुत ज़्यादा दरख्तों पे चढ़े हैं, बहुत दफ़ा गिरे हैं, टांगे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी की हैं, तो बड़ी चोटें खाई हैं. राना सांगा मेरा नाम रखा हुआ था अम्मी ने. वाई राना सांगा? कि इतने वो ब्रूजेज एंड कट्स, और वो अभी भी वैसे वो आदत है कि मैं बहुत एडवेंचरस हैं, मुहिमजू हैं. आई थिंक केयरलेस हूँ कि बहुत तेज़ी से काम करती हूँ, तो अक्सर वो पता नहीं चलता, ज़ख्मी कर लेती हूँ अपने आप को. बेटा आपसे दूर रहता है तो आपस में आपका जो बॉन्ड है, आपका जो जोड़ है, बंधन है, उसको कैसे कायम रखती हैं? सर्द मोरी सी पैदा हो जाती है दूर रहने से. आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन कि मैं कर नहीं सकती, सर्द मोरी कर नहीं सकती. या मैं बहुत इन्वॉल्व्ड हूँ या फिर मैं कम्प्लीटली कंट्रोल डिलीट. तो आप दो इंतहाओं पे रहते हैं? दो इंतहाओं पे बिल्कुल. मैं मुनाफ़कत कर ही नहीं सकती. लेकिन ज़िंदगी तो ग्रे एरिया का नाम है, दरमियाने रास्ते का नाम. आई एम वेरी ब्लैक एंड वाइट, मेरी खामी है. और दूर भी नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है हम हार्डली एक महीना दूर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. मामा के बारे में बताएं ना, ये कैसी हैं? इनके डिसीजन कैसे हैं? ये खुद बतौर मदर कैसी हैं? उन्होंने हमेशा सिखाया हमें कि काम करो, बस मान बहुत हो. आप कभी क्रिटिसिज्म करते हैं? बहुत ज़्यादा. अच्छा, नॉन स्टॉप. नहीं, आपने मना किया था कि इमरान खान से शादी ना करें? स्पेसिफिक्स नहीं दिए, मगर मैंने कहा कि सोच समझ के शादी करना अगर करनी है. और ये मुझे लगता है नहीं की. आप एक्साइटेड थी? एक्साइटमेंट में नहीं सोचा? पठान सोच समझ के भी गलत फैसले कर लेते हैं, पर मैंने ज़िंदगी में वैसे एक ही गलत फैसला किया है आई थिंक. मैं कोई ख़ास मतलब कीन नहीं थी, एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं थी. काफ़ी सोचा, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जितनी उस वक्त अवेलेबल थी. लेकिन शादी के बाद इन्हें तो परेशानी हुई होगी, प्रॉब्लम्स आए होंगे. देखिए, सबसे ज़्यादा तो बच्चों ने सफ़र किया. इनको मैंने बड़ा महफूज माहौल दिया था, प्रोटेक्ट किया था. वो इनकी सारी प्राइवेसी बड़ी गंदी तरह से एक्सपोज की गई, तो मैं उसके लिए बड़ा पशेमान हूँ. बनीगाला में भी मतलब मैंने तो अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज की. वहाँ इनकी आज़ादी मजरूह होती थी? आज़ादी इसलिए क्योंकि वी आर अ वेरी प्राइवेट फैमिली, और वो जाहिर है अपने घर के माहौल की तरह तो नहीं होता. शायद इमरान खान भी चिढ़ते होंगे? नहीं, डायरेक्टली तो कभी, अगर चिढ़ते होंगे तो मुझे नहीं कभी कहा. लेकिन वो अपने अलहदा जोर रहते थे, तो बच्चों के साथ इतना इंटरेक्शन उनका नहीं था, बिल्कुल ही इंटरेक्शन नहीं था. कभी मिले ही नहीं? नहीं नहीं, मिलना तो नहीं, लेकिन मतलब लाइक बहुत फॉर्मल, बहुत डिस्टेंट रिलेशनशिप, ज़्यादा बातचीत नहीं. और आप उनके बच्चों से नहीं मिले? नहीं नहीं, मैं उनके बच्चे भी आते रहे हैं, रहते रहे हैं. आप तो एक दफ़ा चली गई थी घर छोड़ कर जब वो आ रहे थे. तो वो मैं स्पेस देती थी, लेकिन बच्चे आते रहे, और मैं जो कुछ कर सकती थी उनके लिए मैंने किया. फॉर एग्जांपल उनकी कोई फेवरेट डिश हो, पकाना वगैरह, लेकिन मैं उनको स्पेस भी दी. आप क्या नाश्ता करती हैं? सुबह नींबू पानी पीती हूँ, और फिर कहवा लेती हूँ, बस दो उबले अंडे. हुसन और माशाल्लाह उम्र का जो आपने खूबसूरत इम्तिजाज रखा हुआ है, इसकी वजह नींबू पानी है या कुछ और? मेरा चूँकि दिन शुरू होता है तो फिर ख़त्म नहीं होता, तो मैं बेस थोड़ा सा अच्छा बना जाती हूँ, और नींबू पानी इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेस्टन. और चेहरे का रंग साफ रखने के लिए भी ये कोई मददगार साबित होता है? नींबू होता है, लेकिन मुझे तो बड़ी सख्त एलर्जी हो जाती है, तो लेकिन दिल साफ हो तो चेहरे का रंग साफ रहता है. कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तीन बच्चे हैं जी, दो बेटियां हैं और साहिर बड़े हैं.
अच्छा साहिर माशाल्लाह आप ग्रेजुएट कर गए हैं, जॉब कर रहे हैं। क्या जॉब कर रहे हैं आजकल? I work in British Parliament. जेरेमी कॉर्बिन के साथ और शैडो कैबिनेट जो है उनके लिए जो मैनिफेस्टो राइटिंग वगैरह होती है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर तो इसका मतलब पाकिस्तानी सियासत में आएंगे, जो रेहाम नहीं आई पाकिस्तानी सियासत में, तो मेरे आने पे भी इनको बड़े एतराज़ आते हैं। शर्मीली बेटियां रिदा और अनाया भी आ गईं। ये छोटी हैं और ये सबसे ज़्यादा मेरी तरह हैं। इनाया ओ लेवल्स कर रही हैं, शुरू किया है ओ लेवल्स इन्होंने और बेसिकली सारा घर इन्होंने संभाला हुआ है। अच्छा। ये मिनी रहाम है। रिदा मिडिल में है और रिदा भी पहला ईयर इन्होंने यूनि का ख़त्म किया है। पता नहीं लोग क्यों समझते हैं कि आप एक दिन ज़रूर सियासत में आएंगे। आई थिंक एंकर की साजिश है, ये उकसाना चाहते हैं मुझे। नून लीग ने आपको पेशकश की है कि आप हमारी जमात में आ जाएं? देखिए ये तो अब बड़ा सियासी शो हो जाए। नेचुरल आपका अलायंस बनता है ना? हम फैमिली मुस्लिम लीग ही हैं ट्रेडिशनली, लेकिन आई थिंक कि ये गलत है कहना कि सिर्फ एक पार्टी इंटरेस्टेड है। पीटीआई भी इंटरेस्टेड है आपको लेने में? मेरा ख्याल है कि पीटीआई आपके शो में नहीं आते थे। नहीं, आई थिंक पीटीआई बहुत इंटरेस्टेड है इन द सेंस कि देखिए एक पीटीआई वो है जो कि हकीकी पीटीआई है, जिसका नाम आप टेलीविजन पे नहीं सुनते, जो आपके पैनल्स पे नहीं आते। तो आप माइनस इमरान खान पीटीआई के साथ हैं? मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी नई क़यादत आए जो कि ना किसी फ्यूडल बैगेज के साथ हो। रियल चेंज तब पॉसिबल है कि जब रियल लोग नुमाइंदगी करें। इमरान खान यही तो कहते हैं। कहना और करना दो डिफरेंट चीज़ें, हम नहीं देख रहे पाकिस्तान में, किसी पार्टी में भी नहीं देख रहे। पीटीआई में जमहूरियत है या नहीं? नहीं, जमहूरियत ऑब्वियसली नहीं है, ना पीटीआई में है, ना पीपीपी में है, ना पीएमएलएन में है। एक्चुअली मुझे ये किसी ने गिफ्ट किया क्योंकि मैं आई वाज पुल्ड टू इट, मैं कहीं खाना खा रही थी बची हुई, तो बार बार मैं उसको देखूँ और उन्होंने फिर वो ढूंढ लिया और भिजवा दिया मुझे। मुझे ये इसलिए अपील करती है कि इट्स वेरी, जितनी दफ़ा आप देखेंगे आपको कुछ नई चीज़ नज़र आएगी। देखिए ऊपर काले बादल हैं और वो सीन ये है कि वो सोफ़े पे लेटी हुई है, यानी कि घर के अंदर का सीन है लेकिन वो सोफ़ा बाहर है, मतलब तो ऐसे आप घर के अंदर होंगे, तो आई थिंक इट शोज़ कि वो उसको नहीं पता कि वो घर के अंदर है। तन्हाई, अकेलापन महसूस करती हैं? नहीं, आई डोंट, आई थिंक तन्हाई को चेरिश करना चाहिए। क्या मुतालिया करती हैं, सोचती हैं, अपना तजज़िया करती हैं? आई रीड लॉट, बहुत ज़्यादा मुझे शौक है हर चीज़ का पता होना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। नन। बेटा साहिर खान वालदा के लिए नाश्ता भी तैयार करता है। आप खुद बनाती हैं नाश्ता? मैं पैनकेक्स बनाती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन अब कुकिंग मर्द हजरात ने हमारे हाथों से ले ली है और मेरा ख्याल है मर्द हजरात ज़्यादा अच्छी कुकिंग भी करते हैं। जब आप बरतानिया में थी तब भी कुकिंग नहीं करती? नहीं, मैं अभी हाल ही में छोड़ी है कुकिंग मैंने, क्योंकि अब टाइम नहीं है मेरे पास। क्या अच्छा बनाती हैं? मैं देसी कुकिंग बहुत, क्योंकि साहिर को हलीम पसंद है, बहुत ज़्यादा निहारी पसंद है, तो हलीम निहारी हमारे घर में बहुत पकती है। शामी कबाब बनाने का मुझे बड़ा शौक है, मुझे खुद पसंद है, और बाकी चाइनीज़ बहुत ज़्यादा खाया जाता है हमारे घर में, बेटियाँ चाइनीज़ बड़ा पसंद करती हैं। बनी गाला में क्या सबसे अच्छा बनाती थी? बनी गाला में चेंज किया था क्योंकि वहाँ थाई फूड बहुत पसंद था, तो थाई फूड सीखा, क्योंकि थाई फूड कभी मैंने नहीं, इतना मुझे नहीं पसंद।